हेलो एवरीवन, माय नेम इज कृष्णा घोष। वेलकम बैक टू हाउ कैन आई हेल्प यू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिलेट 2020 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो में जो फर्स्ट पॉइंट है, देखिए, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड पे कोई भी कॉलेज नहीं मिला है, तो अभी आप लोगों के मन में सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है, आप लोगों को अभी क्या करना पड़ेगा? क्या सेकेंड राउंड पे पार्टिसिपेट करने के लिए आप लोगों को फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्या फिर से चॉइस प्लिंग करना पड़ेगा? सबसे पहले मैं आप लोगों का इस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। दोस्तों, आप में से जिन सबका भी साइन इन करने के बाद ये शो कर रहा है नो सीट एलोटेड इन दिस राउंड, आप सबको कुछ नहीं करना है, जस्ट आप लोग वेट कीजिए। वेट कब तक आप लोगों को करना है? सेकेंड राउंड का रिजल्ट अनाउंसमेंट होगा 22 जनवरी 2021। जनवरी के 22 तारीख को आप लोगों का सेकेंड राउंड का रिजल्ट आएगा। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, जनवरी के 22 तारीख तक आप सबको वेट करना है। ना तो आप लोगों को फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ना ही आप लोगों को फीस पेमेंट करना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं आप सबको दे दिया। सेकेंड जो सवाल आप लोगों के मन में आ रहा है, जिन लोगों को ऑलरेडी कोई ना कोई कॉलेज मिला है मगर आप लोग अभी कोई भी एक्शन उठाना नहीं चाहते, इसका कोई भी रीजन हो सकता है कि आपको जो कॉलेज मिला है उस कॉलेज का जो फीस है बहुत हाई हो रहा है, इसके दौरान आप उस कॉलेज को नहीं लेना चाहते, आपका जो मतलब जो कॉलेज पे मिला है आपको उस कॉलेज का अपग्रेडेशन भी आप नहीं करवाना चाहते, मतलब ना तो फीस पेमेंट करना चाहते। और बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ऐसा सवाल आ रहा है कि हम लोग को जो कॉलेज मिला है उस कॉलेज को अगर हम लोग को नहीं चाहिए तो हम लोग पैसा क्यों पेमेंट करें, मतलब 20,000 या फिर 5,000 क्यों पेमेंट करें। दोस्तों, मैं आप सबको कहना चाहता हूं, देखिए, अभी अगर आप लोग, या तो दो ऑप्शन है आप लोग के पास, या तो जो कॉलेज मिला है उसे एक्सेप्ट कीजिए, अदरवाइज 20,000 या 5,000 पेड करके आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कीजिए। अगर आप लोग कोई भी एक्शन नहीं उठाते, मतलब एक्सेप्ट भी नहीं करते या फिर अपग्रेडेशन के लिए भी नहीं अप्लाई करते, तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाइएगा। पॉइंट नंबर सी, जिलेट का जो पॉइंट है, मतलब आपको वहां पे साइन इन करने के बाद पॉइंट नंबर सी को फॉलो कीजिएगा, जहां पे बता दिया गया है अगर आप कोई भी एक्शन नहीं उठाते, ना तो आप एक्सेप्ट करते हैं, ना ही आप सीट को फ्रीज करते हैं, ना ही आप अपग्रेडेशन के लिए यस करते हैं, तो आपको नेक्स्ट राउंड के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा, मतलब आप मे बी आउट ऑफ काउंसलिंग हो सकते हैं। फिर से आपको दोबारा कब मौका दिया जा सकता है, मैं ये हो सकता है बता रहा हूं, मगर जो बताया गया आपको नेक्स्ट राउंड के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा, मतलब आप आउट ऑफ काउंसलिंग हो रहे हैं या फिर जो सीट आपको मिला है वो सीट आपका नहीं रहेगा। बात क्लियर हो गया। दोस्तों, और भी जो सवाल आ रहा है, देखिए, जो सब लोगों का अभी कोई कॉलेज मिला है, सपोज उस कॉलेज में अगर आप लोग फीस पेमेंट करते हैं, आइदर आप जो कॉलेज मिला है उस कॉलेज को ना मिलने के चलते, मतलब नेक्स्ट राउंड के पार्टिसिपेट करने के लिए, मतलब सेकेंड राउंड के लिए आप लोग अपग्रेडेशन वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो अगर आप लोग 20,000 या फिर 5,000 पेमेंट करते हैं, तो ऐसे केसेस में सेकेंड राउंड पे भी जो कॉलेज आप लोग को मिलेगा सेम कॉलेज रहता है या फिर कोई भी चेंज होता है कॉलेज, मगर उस कॉलेज पे भी, मतलब सेकेंड राउंड का कॉलेज पे भी अगर आप लोग एडमिशन नहीं लेते, तो क्या आप लोगों का जो अमाउंट है इसे रिफंड किया जाएगा? जी हाँ दोस्तों, आप चाहे किसी भी टाइम पे रजिस्ट्रेशन से पहले अगर आप आपका सीट को विड्रॉल करना चाहते तो आपका जो अमाउंट है इसे रिफंड कर दिया जाएगा। कैसे रिफंड करना पड़ेगा? दोस्तों, एक फॉर्म फिलअप होता है, WBJEE का भी रिफंड का एक फॉर्म फिलअप आया था, इसी तरह का एक फॉर्म फिलअप होता है, जस्ट आपको एक एप्लीकेशन करना पड़ता है कि मैं अपना सीट को विड्रॉल करना चाहता हूँ। आपको रजिस्ट्रेशन से पहले अगर आप उस फॉर्म को भरते, याद है दोस्तों, जब आप लोग फॉर्म फिलअप किए थे उस टाइम पे एक बैंक अकाउंट डिटेल्स मांगा गया था, कैंडिडेट का बैंक अकाउंट डिटेल्स, उसी कैंडिडेट का बैंक अकाउंट डिटेल्स पे आप जो अमाउंट पेड कर रहे हैं वो अमाउंट को आपको रिफंड दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसमें कोई भी डरने का बात नहीं कि अगर आप लोग पेड कर देते हैं बाद में अगर आप लोग एडमिशन नहीं लेते हैं तो आप लोगों का जो फीस है ये चला जाएगा, आपको वो पैसा रिफंड मिल जाएगा। दोस्तों, अभी भी कुछ सवाल है जो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि कब तक इसका लास्ट डेट है। फर्स्ट राउंड पे जिन सबको कॉलेज मिला है या फिर अपग्रेडेशन का पेमेंट वाला, इसका लास्ट डेट कब तक है? मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आउट हो गया, अभी इसका एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, और एक सवाल था कि फिजिकल रिपोर्टिंग कब से होगा और डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग होगा कि नहीं होगा, ये भी मैं बता देंगे। देखिए, फर्स्ट राउंड का जो लास्ट फीस पेमेंट का डेट दिया गया है 19th ऑफ जनवरी 2021 शाम के 6 बजे तक।
6 PM तक, 19th ऑफ जनवरी 6 PM तक आप सब लोग आपका यूजर आईडी पासवर्ड देके साइन इन करने के बाद आप वहां पे पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है तो 5000, प्राइवेट कॉलेज मिला है तो 20000 आपको प्रोफेशनल एडमिशन या फिर सीट बुकिंग फीस बता सकते हैं आपको पेमेंट करना पड़ेगा। 19th ऑफ जनवरी मतलब शाम के 6 बजे के बाद अगर आप कोशिश भी कीजिएगा तो भी पॉसिबल नहीं होगा, मतलब 19th ऑफ जनवरी 6 PM से पहले आपको जो भी एक्शन उठाना है आपको उठाना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका जो राउंड होगा 22 जनवरी से शुरू होगा, 22 जनवरी से सेकेंड राउंड का जो मतलब पेमेंट वाला पार्ट आता है, मतलब आपको जो भी कॉलेज मिलता है उस कॉलेज पे एडमिशन लेने के लिए आपको जो टाइम पीरियड दिया जाएगा ये है आपका 25 ऑफ जनवरी शाम के 6 बजे तक 25 ऑफ जनवरी आपको लास्ट डेट है। दोनों राउंड खत्म होने के बाद, इस साल थर्ड राउंड नहीं हो रहा है, दोनों राउंड खत्म होने के बाद आपको फिजिकली कॉलेज पे जाना पड़ेगा। फिजिकली कब आपको कॉलेज पे जाना पड़ेगा 27th ऑफ जनवरी 2021 से 30 ऑफ जनवरी 2021 तक आप लोगों को टाइम दिया गया है फिजिकल रिपोर्टिंग का। फिजिकल रिपोर्टिंग के दौरान अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट गलत आता है, कोई भी रॉन्ग प्रोवाइड मतलब आपका कोई भी इंफॉर्मेशन रॉन्ग प्रूव होता है तो आपको इन स्पॉट आपका जो सीट है उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। आप गवर्नमेंट कॉलेज मिला है आपको, आपके पास कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पास एससी सर्टिफिकेट, अगर आप कोई रिजर्वेशन कैटेगरी से है आपके पास उसका वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल या फिर फेक ऐसा देखा जाता है या फिर वो वैलिड डॉक्यूमेंट्स आप मतलब वेरीफाई नहीं कर पाते तो आपको उसी टाइम पे आपका जो सीट है उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। उस टाइम पे आपके पास एक ही मौका रहेगा, आप इंस्टेंटली अगर करेक्ट डॉक्यूमेंट सबमिट कर पाते तो आप बच जाइएगा, नहीं तो आपको जो सीट मिला है उस सीट को छोड़ के डायरेक्ट आप कोई प्राइवेट कॉलेज पे एडमिशन ले सकते हैं, मगर जो कॉलेज मिला है उसी कॉलेज पे आप एडमिशन और नहीं ले सकते। फिजिकल रिपोर्टिंग जब आप कीजिएगा आपका सभी डॉक्यूमेंट्स को और एक बार वेरीफाई किया जाएगा। फिजिकल रिपोर्टिंग 27th ऑफ जनवरी से 30 ऑफ जनवरी तक चलेगा। उम्मीद है दोस्तों जो 3-4 सवाल ज्यादातर आप लोगों के मन में था इस वीडियो में मैं उस सभी सवाल का आंसर दे पाया हूँ। अभी भी अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के मन में है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा मुझे, आप लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप लोगों का सवाल भेज सकते हैं या ईमेल के द्वारा भी भेज सकते हैं। हर एक मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे है। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप सबके लिए एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को कोई मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला है, लो बजट के अंदर अगर आप लोग कोई कॉलेज पे एडमिशन लेना चाहते हैं, जो काउंसलिंग का रेट है काउंसलिंग रेट से 30,000 to 40,000 कम फीस में विदाउट डोनेशन पे, देखिए टॉप 10 कॉलेज का सीट फुल हो गया, मगर वेस्ट बंगाल के अंदर अभी भी बहुत सारा ऐसा रेपुटेटेड लो बजट का अच्छा एडुकेशन प्रोवाइड करने वाला कॉलेज अवेलेबल है। ब्रांच वाइज डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर है, कंप्यूटर साइंस मिनिमम 1,10,000, सिविल मैकेनिकल 1,50,000, इसी तरह का अलग अलग डिपार्टमेंट पे अलग अलग फीस पे अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं ओनली फॉर प्राइवेट कॉलेज, मेरे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरा ऑफिस का एडमिशन सेल वाला नंबर पे आप लोग सुबह के 10 बजे से शाम के 7 बजे तक कॉल कर सकते हैं। नंबर एंड लिंक दोनों आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। मेरा वीडियो अगर आप लोगों को हेल्प करता है, आप लोगों का एडुकेशन सिस्टम पे जुड़ा हुआ हर एक सवाल का आंसर मेरा वीडियो के द्वारा अगर मिल जाता है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना मत भूलिएगा, क्योंकि अभी आप लोग बीटेक पे एडमिशन ले रहे हैं तो बीटेक का जो मकाउट यूनिवर्सिटी है मकाउट का हर एक नोटिस का अपडेट मेरा चैनल से आप लोग को सबसे पहले मिलेगा। थैंक यू।